प्राइम टेक न्यूज चैनल की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। उन्नाव में आईजी जोन एस के भगत भी पहुंचे आगरा एक्सप्रेस वे एसपी उन्नाव जानकारी लेते हुए। वायरस के चलते आज इतवार को लॉकडाउन को देखते हुए पांचवें दिन आम जनता द्वारा शासन के 14 अप्रैल तक रहने वाले लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। 31 मार्च तक सुबह 10 बजे के बाद सड़कों पर आम जनता का निकलना पूर्ण तरह से बाधित कर दिया गया है, जिसकी कमान खुद एसपी उन्नाव विक्रांत वीर और एसडीएम बागरमऊ अक्षत वर्मा सुबह से ही खुद संभाल रहे हैं। उनके द्वारा खुद निजी वाहन चालकों को सख्त हिदायतें दी जा रही हैं। इसके साथ ही मुख्य चौराहों पर भी की जा रही है जांच। लॉकडाउन होते हुए भी आम जनता द्वारा ज्यादा तादाद में घरों से निकलकर सामान एकत्रित करने जैसे कार्य करने के चलते आज पुलिस द्वारा शहर में पूर्ण लॉकडाउन करवाया गया, जिसके चलते सभी दुकानें प्रतिष्ठान आदि बंद करवाए गए। इसके अलावा उनके द्वारा शहर में आपातकालीन सेवाओं सरकारी वाहन के अलावा किसी भी वाहनों को नहीं चलने दिया जा रहा है। शहर की आज आई तस्वीरों में पुलिस द्वारा आम जनता से जरूरी सख्ती दिखाते हुए लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। सारे बैरियर्स हैं वहाँ पे गलतियाँ लगी हुई हैं। हमारे जोनल और सेक्टर पुलिस ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट एक्टिव हैं, साथ ही जो थाने के मोबाइल हैं और क्लस्टर मोबाइल हैं वो लगातार भ्रमणशील रहते हुए देख रही है। हम लोग खाने का और अन्य जो सामान है उसको डोर टू डोर डिलीवरी कर रहे हैं। इन सब की वजह से हम देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन हुआ है उसमें उसका अच्छी तरह से हम लोग पालन करवा रहे हैं। जनता इसमें पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। आज आप देखेंगे कि कुछ लोग दिल्ली की तरफ से राजधानी लखनऊ की तरफ यहाँ से चलते हुए गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उसमें जो लखनऊ जाने वाले लोग हैं उनको छोड़कर जो गैर जनपदों पे जाने वाले लोग हैं उनको हम लोग यहीं से उतार के उनको अलग गाड़ियों में उनको गंतव्य को रवाना कर रहे हैं, ताकि लखनऊ में अनावश्यक भीड़ ना हो, और इसकी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये भी स्मूथली चल रहा है और लोग इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं।